जॉन इब्राहिम, इमरान हाशमी और सुनील शेट्टी स्टार है मुंबई सागा कल यानी 19 मार्च को रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकद्दर खोलने में अब बस महज कुछ घंटे ही बाकी हैं। ऐसे में हम आपको देते हैं मुंबई सागा का एक क्विक प्रीव्यू। इस फिल्म में आपको समझाएंगे फिल्म को लेकर पहले दिन की एनालिसिस, लोगों के बीच फिल्म का बस और साथ ही एक टेंटेटिव बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की आखिर फिल्म पहले दिन कितने करोड़ की कमाई तक पहुंच सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिलीज से ठीक पहले मुंबई सागा को लेकर एक लीगल प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। मुंबई के डॉन अमात्या राव और अमर नायक की असली फैमिली फिल्म के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गई है और रिलीज से पहले इसे रुकवाने की गुहार लगा रही है। हालांकि अब फिल्म की रिलीज में महज कुछ घंटे ही बाकी है, लिहाजा आगे क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, अगर फिल्म रिलीज होती है तो पहले दिन का आंकड़ा क्या हो सकता है, इस बात पर ट्रेंड एनालिस्ट का क्या कहना है। ट्रेंड एनालिस्ट के मुताबिक मुंबई सागा के पहले दिन यानी 19 मार्च को 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़, 5.75 करोड़ तक कमाई करने की उम्मीद है। ये साफ है कि मुंबई सागा पहले दिन रूही के मुकाबले ज्यादा बिजनेस करेगी। हालांकि इसके आगे की कमाई पूरी तरह माउथ पब्लिसिटी और फिल्म को मिले फर्स्ट डे रिस्पांस के ऊपर ही डिपेंड करती है। फिर भी मौजूदा हालातों को देखते हुए ये फिल्म अगर लाइफ टाइम 50 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाती है तो इसे एक बार बड़ी अपॉर्चुनिटी ही माना जाएगा। वहीं मुंबई सागा के लीड एक्टर जॉन अब्राहम को अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है। जॉन का कहना है कि मुंबई सागा दरअसल थिएटर मटीरियल ही है और इसे ओटीटी पर रिलीज करना इसके साथ नाइंसाफी होती। जॉन ने ये भी कहा कि ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में दरअसल घटिया क्वालिटी की ही निकल रही है जिसकी वजह से लोगों का भरोसा इन पर से हट रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में इमरान हाशमी की फैन बेस में भी एक गजब की हलचल आई है और वो भी अपने स्टार को जमकर प्रमोट करने के लिए तैयार है। मुंबई सागा को मिलने वाला बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स रिलीज के लिए कतार में लगी बाकी फिल्मों की हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। दरअसल अप्रैल में काफी बड़ी फिल्में जैसे कि सायना, बंटी बबली 2, चेहरे और सूर्यवंशी रिलीज हो रही है। लिहाज अब सबकी यही दुआ है कि बस फिल्मों का बिजनेस अच्छा चल पड़े और पतझड़ से जूझ रहे बॉलीवुड में एक बार फिर से बसंत की बहार खेल उठे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।